झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार समाज को तोड़ने की साजिश रच रही है, दलितों के हक को मारकर घुसपैठियों में बांट रही है। झारखंड में इन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार खुलेआम दलितों की हकमारी कर रही है। सार्वजनिक राशन वितरण, दुकानों के आवंटन की लिस्ट को देखने पर नाम तो समुदाय विशेष के दिखते हैं, लेकिन जाति के कॉलम में SC लिखा हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर SC की हकमारी कर सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही सोरेन सरकार इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी कर रही है। आदिवासी हितैषी होने का मुखौटा पहने हेमंत सोरेन का सच तो झारखंड में हुए लैंड जिहाद से सामने आ ही गया था, जब सोरेन सरकार आदिवासियों की जमीनों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होने दे रही थी। और अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवाकर SC कोटे की राशन की दुकानों का फर्जी आवंटन कर रही है। सदन में दलित पिछड़ों के हितैषी होने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी झारखंड में उनके छीने जा रहे हकों पर कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि वहां पर गठबंधन के साथ कांग्रेस सरकार में है। इससे राहुल गांधी का भी दलित पिछड़ों का हितैषी होने वाला ढोंग भी सामने आ गया है। भ्रष्टाचार और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधी हो चुकी सोरेन सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। हेमंत सरकार ने अब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके ये साबित कर दिया है कि वो आदिवासी दलित विरोधी होने के साथ ही देश विरोधी भी है।